हाँ जी सर, हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, आपको सिर्फ फॉर्मूला लिखना है। तो सी ऑप्शन सर। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी इज ए एंड एल। तो आपके पास जो फर्स्ट टर्म है वो ए है, लास्ट टर्म जो है एल है। आपसे कह रहा है एनएथ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। सर इधर सुन लो, एनएथ टर्म फ्रॉम द फर्स्ट, क्या फॉर्मूला होता है एनएथ टर्म फ्रॉम द फर्स्ट का? एनएथ टर्म फ्रॉम द फर्स्ट फॉर्मूला क्या होता है? जी प्लस एन माइनस वन इनटू डी। वेरी गुड। और एनएथ टर्म फ्रॉम द लास्ट का फॉर्मूला क्या होता है? एल माइनस एन माइनस वन एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ा था आप लोगों ने, फाइंड द सम ऑफ एनएथ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग एंड एनएथ टर्म फ्रॉम द एंड। इन दोनों टर्म्स का मुझे सम चाहिए। तो अगर मैं इनका सम करूंगा तो एन माइनस वन डी से एन माइनस वन डी कट जाएगा, तो बचेगा क्या? ए प्लस एन। तो एन बाई टू कहां से आया था? ये जो आप बच्चों ने शुरू में आंसर दिया था n by 2, तो n by 2 कहां से आ गया था बेटे इसमें? गलत फॉर्मूला पुट अप कर दिए थे सम वाला। तो वही तो पूछ रहे हैं, सम ऑफ n टर्म्स थोड़ा ही ले रहा है, आपसे कह रहा है यही तो देखना है आपको, फाइंड द सम ऑफ द nth टर्म, nth टर्म फ्रॉम द फर्स्ट एंड nth टर्म फ्रॉम द लास्ट का सम निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स थोड़ा ही निकालना है। और यही कंफ्यूजन वहां हो जाए एग्जाम में, ऑप्शन भी ऐसा ही नजर आ जाए, तो बस आप तो खुश होते हुए आएंगे हमने सॉल्व कर दिया। गुड, देखो एक और।